अलैकम एवरी वन वेलकम टू गुलजी प्रोडक्शंस तो आज हम लोगों ने एक नया स्टार्ट लिया हुआ इंटरव्यू सीरीज़ के नाम से यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ों का इंटरव्यू करेंगे उनके कैरियर सक्सेस के हवाले से और आप लोगों के गाइडेंस के हवाले से उनसे पूछेंगे ताकि वो आप लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं कि आप सिर्फ़ एकेडमिक्स के अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में और वो क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो वो इस हवाले से आपको गाइड करेंगे तो सीरीज़ के पहले इंटरव्यू में हमारे जो गेस्ट हैं वो है नौशाद अली जो कि एक फ्रीलांसर हैं और काफ़ी अर्से से फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे वो काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त वो माशाल्लाह से टॉप टॉपरेटिव चल रहे हैं तो बाकी की स्टोरी जो है हम नौशाद अली से ख़ुद ही जानेंगे और तो बायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का वेलकम टू तो द शो नौशाद अली थैंक यूलाद आप तो बायदा अपना इंट्रोडक्शन ख़ुद कराएँ हमारे ऑडियंस को आ, तो उसके बाद ही हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं काफ़ी चीज़ें खुद ही आपने बताई हैं नौशाद अली मेरा नाम है और दो हज़ार से मैं फ्री के साथ मुंसलिक रहा हूँ 2016 से लेके 2020 तक ये काम मैं पार्ट टाइम किया करता था और यूनिवर्सिटी मेरी चल रही हो तो साथ में और उसके बाद दो के बाद अभी तक मैं फुल टाइम फ्री कर रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज जो है प्रेस वेब डिज़ाइनिंग एस जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है साथ में डिजिटल मार्केटिंग इन चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ और इसी तरह बस मेरा निज़ाम चल रहा है अच्छा तो हमारा पहला सवाल जो आपसे है ना नौशाद अली तो आप हमारे ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइए कि फ्री है क्या और कैसे एक बंदा फ्री बन सकता है फ्री लेंसिंग सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये कि आप आ, किसी बंदे के अंडर किसी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टेज के अंदर या किसी भी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के अंदर आप काम नहीं करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं अपने पसंद के हिसाब से काम करते हैं जो काम आपको करने का दिल होता है वो काम आप करते हैं और उस बेस पे आप पैसे कमा रहे होते हैं तो जो कि हमारी ट्रेडिशनल जॉब मार्केट जो चल रही होती है आपने सुबह नौ बजे ऑफिस जाना है शाम को पाँच बजे तक आपने ऑफिस में बैठना होता है आपने सही प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी होती है अपने बॉसेस वगैरह को तो इस फ्री के अंदर जब आप आते हैं तो आप उस चीज़ से बच जाते हैं तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कोई भी फ्री ऑफ एस्टूअल या कुछ भी बिल्कुल सुकून से आप काम कर रहे होते हैं और जो जॉब मार्केट में काम कर रहे होते हैं उनसे आप कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं अच्छा तो मजीद हमें गाइड करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म जैसे कौन से हैं जो एक फ्रीलांसर यूज़ कर सकता है अपनी फ्रीलांसिंग के एज आ बिगनर बिगनर के लिए तो वैसे तो प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं पाकिस्तान में जो आजकल मोस्ट टॉप पे जो प्लेटफॉर्म्स जा रही हैं उनमें फाइवर है अपवर्क है और जो ये चीज़ें जो है ज़्यादा जा लोगों को पता है इनके बारे में वैसे तो आप देखें तो गुरु डॉट कॉम है फ्री लेंसर डॉट कॉम है पीपल फॉर आवर है आ, अभी आ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफ़िक एक फ्री लेंसिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है वर्क चेस्ट के नाम से तो हमारे हिशाम सरवर हैं जो पाकिस्तान के आ, फ्री लेंसिंग का भगवान जिनको माना जाता है पाकिस्तान में तो उन्होंने आ, पाकिस्तानी फ्री लेंसर्स के लिए ये साइट बनाई है वर्क चेस्ट तो वहाँ पर जो बिगिनर्स हैं वो आके काम कर सकते हैं मगर मेरी सजेशन जो बिगिनर्स के लिए है स्टार्ट फाइवर से करें तो वो थोड़ा ईजी रहता है अच्छा बेस्ट कौन सा फाइवर अपर जो अभी पाकिस्तानी अपनी जिस बात की आ, वो आप पे डिपेंड करते हैं आपको जहाँ से अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जहाँ से आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आपने एट द द एंड ऑफ डे आपने किसी क्लाइंट को क्लाइंट पकड़ना है उसके लिए आपने काम करने काम करके देना और अपने पैसे कमाने हैं तो जहाँ पर आपको काम अच्छे से मिल रहा है रेगुलर काम आपको मिल रहा है वो आपके लिए बेस्ट है तो ये फ्रीलांसर्स को हायर कौन करता है एम्प्लॉयर्स होते हैं अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बैठा होता है किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ है उसको एक चीज़ चाहिए अब बजाय कि वो अमेरिका के अंदर किसी कम को, कोई कंपनी सर्च करने लग जाए या आगे पीछे हाथ मारने लग जाए उससे बेहतर है कि बंदे को पता होता है कि आप वर्क है या फाइवर प्लेटफॉर्म्स पड़ी हुई हैं अब वहाँ पे बंदा जाएगा तो उसको हर स्किल से रेलिवेंट बंदा उसको वहाँ पे मिल रहा होता है तो जिसको कोई काम चाहिए होता है वो इन सैट्स पर जाता है अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है और हमारे जैसे फ्रीलांसर्स बैठे होते हैं वो उनको अप्रोच करते हैं तो फिर बंदा आता है देखता है, आप, है आपके पोटफोलियोज चेक करता है आपके प्रोफाइल्स चेक करता है आपके प्रोफाइल्स पे जो रिव्यूज़ वगैरह होती हैं वो चीज़ें चेक करता है और उनके बेस पे आपको काम देता है तो अगर आप एज़ ए बिगनर स्टार्ट कर रहे हो किसी काम को तो आपके प्रोफाइल्स में तो ऑबली कोई रिव्यू नहीं होगा तो किस हिसाब से उसको फिर वो शुरू करना होगा और काम कैसे मिलेगा उस बंदे को और एक और चीज़ ये बताएं कि आपको हायर करते हैं या आपने खुद प्रपोजल देने होते हैं काम के हवाले से इस हवाले से भी आप गाइड करें तो बेहतर ये फ्री के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे दो कस्म की फ्री होती है एक ट्रेडिशनल फ्री होती है और एक नॉन ट्रेडिशनल फ्री होती है अब ट्रेडिशनल फ्री के अंदर जब आप आते हैं तो ये कि एक, एक एम्प्लॉयर आता है वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना जॉब पोस्ट करता है जो आपका फिर आपका प्रोजेक्ट होता है वो पोस्ट करता है और हम हमें फ्रीलांसर्स होते हैं वो जाते हैं फॉर एग्जांपल अपर की मैं एग्जांपल देता हूँ अफवर के ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग ट्रडिशनल फ्री प्लेटफॉर्म है अब बंदे ने अपना जॉब पोस्ट किया वहाँ पे हम अपने स्किल्स रेजमेंट जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो वो जॉब हमें मिल जाती है और उस हिसाब से फिर हम अगर उसका प्रपोजल हमें सूट करता है जो डिस्क्रिप्शन उसने लिखी होती है वहाँ हमें सूट करता है तो हम वहाँ पर जा अपना प्रपोजल जमा करा रहे होते हैं और अगर हम नए फ्री हैं तो हमें जो प्रपोज़ल्स हम लिखते हैं उस चीज़ को हमें इतना तगड़ा बनाना पड़ता है कि क्लाइंट आके आपके पास कम अज़ कम आपसे इंटरव्यू तो करे और जब क्लाइंट आपके पास इंटरव्यू के लिए आता है तो उसके बाद फिर आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स होती है कि आप क्लाइंट को कैसे ग्रैप करते हो अच्छा अब मैं और मैं ये नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग का मैं बता रहा था फिर ट्रेडिशनल तो अपर्क हो गया अब नॉन ट्रेडिशनल में सबसे बड़ी एग्जांपल हम फाइवर की लेते हैं फाइवर पे ये होता है कि हम काम ढूंढ के नहीं जाते हैं फाइवर पे हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया होता है हमने अपनी सर्विसेज लगाई होती हैं और जिस बंदे को काम चाहिए होता है वो ख़ुद हमारे पास आता है हालांकि अप वर्क पे कि हमें काम चाहिए होता है तो हम आ जा रहे होते हैं हम पे आपने खुद काम ढूंढना होता है और फाइवर पे जो है वो काम जो बंदा ऑफर कर रहा है वो आपको हायर कर रहा होता है काम के लिए बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही और अभी अपवर्क के अंदर भी एक ऐसा एक फीचर जो ने इंट्रोड्यूस कराया कर प्रोजेक्ट कैटालाग्स के नाम से तो थोड़ा सा फाइवर की कॉपी है जहाँ पे आप अपने सर्विस लगा लेते हो और उसके बाद जो क्लाइंट होते हैं वो आके डायरेक्ट भी आपको अप्रोच कर रहे होते हैं अच्छा एक चीज़ मैंने पूछनी थी सर्विसेज के हवाले से किस तरह के सर्विसेज यहाँ पे ऑफ़र कर रहे होते हैं ये और कौन सी सर्विसेज जो होती हैं वो डिमांड्स में ज़्यादा चल रही होती हैं कुछ भी आप फ्री लेंसिंग प्लेटफॉर्म पर आए तो आप कुछ भी कर सकते हैं इवन आप अगर फ़ाइवर पर जाते हैं तो लोग अपनी क्रिएटिव स्किल्स को ले भी सही कमा रहे होते हैं फ़ाइवर पर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो आपको बर्थडे बर्थडे बर्थ गाने गाते हैं बर्थडे विशेज़ के और पैसे कमा रहे होते हैं आपको मॉडलिंग करके आपसे पैसे कमा रहे होते हैं आपके लिए अच्छा। दुआ करके आपसे पैसे कमा रहे होते हैं मतलब इस तरह के भी क्रिएटिव लोग बैठे होते हैं अब 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 आपको आपका मूड मूड खराब है है को ठीक कमा रहे होते ये इजी तरीका है सबसे नहीं, अब नहीं अब वो भी डिपेंड आप अब हर बंदा वो काम नहीं कर सकता अगर आप क्रिएटिव हैं अगर आपको सही वो चीज आती है तो आप जाके कर तो सकते जाकर मैटर करती है क्रिएटिविटी इसमें बहुत मैटर करती है ये तो खैर वो मतलब जो साइड की चीजें हो गई वैसे अगर आप प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ आ जाए तो प्रोग्रामिंग के अच्छे खासा प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं कॉन्टेंट राइटिंग के आ रहे होते हैं डिजाइनिंग के आ रहे होते हैं एनिमेशन की होती हैं और आ, डिजिटल मार्केटिंग अच्छे खासा टॉप टॉप ट्रेंडिंग चल रहा होता है आजकल इसके साथ कस्टमर सपोर्ट वर्चुअल असिस्टेंट एडमिन असिस्टेंट के टास्क वगैरह होते हैं ये अच्छे खासा चल रहे होते हैं तो टाइमिंग्स के हवाले से थोड़ा गाइड करें हमारे ऑडियंस को कि किस तरह की टाइमिंग्स कितनी फ्लेक्सिबल होती हैं और मैक्सिमम जो वर्किंग आवर्स होती हैं वो किस से कहाँ से किस दौरान होती हैं वो बता दें वो फिर आप डिपेंड करते हैं आप और आपके क्लाइंट के बीच में जो निगोशियशन वगैरह होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग बनी होती है वो कैसे बनी होती है यूजली फिलेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन स्ट्रिक्ट स्कीजल होता नहीं है डेड आपकी होती हैं डेड से मुराद ये कि आप ये समझते हैं कि आपका स्ट्रिक्ट स्कीजल है नहीं तो आपने ये नहीं करना कि चले आप एक डेडलाइन तो आपकी होती है अगर आपने क्लाइंट ने आपको कहा कि दो दिन में आप उसको उनको काम चाहिए तो आप कहें कि स्केजल मेरा है नहीं तो आप फिर उसको दो दिन को घुमा के चार दिन पाँच दिन पर ले जाए तो वो फिर ठीक नहीं है तो

क्लाइंट्स को भी वो चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि गोरे जो होते हैं वो टाइम के लिहाज से बहुत कॉन्शियस होते हैं वो एक एक मिनट का हिसाब रख रहे होते हैं तो इसलिए उस हिसाब से आप उनको जितना टाइम पे काम करके देंगे बेशक आप किसी प्रॉपर शेडल में आके काम ना करें मगर जो डेडलाइन आपको मिली होती है उसी डेडलाइन के अंदर अंदर काम करके उनको दें दो वो आपसे बहुत खुश होते हैं अच्छा तो नौशाद भाई हमें मजीद इस हवाले से गाइड करें कि एडवानटेज़ क्या आपको नज़र आ रही हैं एज ए फ्री लानसर काम करने के यार सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि आप मतलब जो टाइम पे जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं आपके कि किसी टाइम में आप स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होते हैं अब खास कर हम पाकिस्तानी अपनी टाइमिंग्स को देखें तो अब बाहर के लोग जो होते हैं वो प्रॉपर अपना पूरे दिन का कैलेंडर सेट करके काम कर रहे होते हैं हमारे यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा होता हम बैठे होते हैं कोई काम कर रहे होते हैं तो अचानक कॉल आती है कि भाई आपका चाचा आ रहा है जाके हाँ। पिक करके आए उसको या कि भाई दुकान से कोई चीज़ लेके आए और डिजिटलिज्म की थोड़ी कमी हो तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा है हालांकि ऐसी होनी नहीं चाहिए तो इस मामले में हम जो फ्री होते हैं बहुत ही सुकून से काम कर रहे होते हैं चलें ये तो खैर थोड़े से काम होते हैं मगर एज़ फ़न भी हम देखें तो अगर हमें कहीं जाने का दिल करता है दिन के टाइम पर हम जा सकते हैं एक जो नॉर्मल बंदा जो नाइनटी फाइव की जॉब कर रहा होता है वो नहीं जा सकता तो यही एडवांटेजेस ने उसके बाद ये कि जो 95 फाइव बंदा जो जॉब करके जो पच्चीस तीस हज़ार रुपये कमा रहा होता है उसके बदले अगर हम उनसे कम काम करते हैं तो हम पचास साठ हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं चल अच्छा। पे अच्छा मैं ना एक जो सबसे अहम सवाल में मेरे ख्याल से ये है क्योंकि आप फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या आपको डिग्री रिक्वायर्ड होती है या फिर आप स्किल मैटर करती है सिर्फ आपकी टोटली आपकी स्किल्स मैटर करती हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं अच्छा कम्युनिकेशन ज़्यादा आप, आपके टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर कर रही होती हैं अब जब आप अपवर पे प्रोफाइल बनाते हैं फाइवर पे प्रोफाइल बना के आते हैं आप बिडिंग करते हैं आपको अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो आपकी डिग्री में नहीं पूछता क्लाइंट को काम चाहिए आपको काम आपके पास डिग्री बेशक ना हो काम आपको आता है तो आपको क्लाइंट को वो चाहिए तो आपके लिए डिग्री की कोई लाजिम लाजमूमियत नहीं है जो कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं पड़ी तो आपको इवन कोई इंटर्नशिप भी देने को तैयार नहीं होता तो इसलिए यह कि डिग्री यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं आपको अच्छा काम आना चाहिए और साथ में आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स आप क्लाइंट से बात कैसे करते हैं आप क्लाइंट को अपने बिज़नेस के आ, बिजनेस आप क्लाइंट को देना चाह रहे हो तो उसमें आपकी कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं कि आप अब आपकी तरफ फ्रीलांसर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं अब एक क्लाइंट अगर आपके पास आता है चौथे नंबर पर चल रहा है आज अब एक क्लाइंट अगर आपका इंटरव्यू कर रहा होता है तो वो आपके साथ तीन चार लोगों का हो सकता है आठ दस लोगों का और भी इंटरव्यू कर रहा हो तो अब आपको ये कि उन आठ दस बंदों में आपको स्टैंड आउट करना है तो उसके लिए फिर ये टोटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज को लेकर चल सकते एक सवाल मैंने पहले पूछा था कि कौन सी सर्विसेज ज्यादा डिमांड में होती है वो आपने बताया नहीं सर्विस कुछ भी हो सकती है एक तो वो क्रिएटिव स्किल्स की मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद आप प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ आते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं डेवलपमेंट के, के काम कर सकते हैं वेब डिजाइनिंग के काम कर सकते हैं वर्ड का काम अच्छा खासा चल रहा होता है डिजिटल मार्केटिंग बहुत टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल स्पेशली आप एस और सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखें फेसबुक एडवर्टीज़मेंट ये सब चीज़ें होती हैं ये बहुत अच्छी खासे चल रही होती हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस वर्चुअल असिस्टेंट ये चीज़ें काफ़ी चल रही होती हैं और इस तरह अगर आप स्पेसिफिक इस्पेसिफिक है तो अगर आप फ़ाइवर खोलें तो फाइवर के ऊपर एक मेन्यू बार है जिसमें कैटेगरीज मेंशन है और उन कैटेगरीज के अंदर आप जाएं तो, आप हर मिल, मिल तो आपको हर कैटेगरी मिल रही होती है तो वहाँ पे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या सर्विस हो रही होती हैं अच्छा तो अगर कोई बंदा चाहे तो वो क्या पार्ट टाइम जॉब ना करते हुए फाइव उसके साथ या एज़ अ पार्ट टाइम जॉब ना करते हुए इसे एक फुल टाइम वो करियर बना सकता है फ्री पे अगर वो चाहे तो बिल्कुल बना सकता है मगर वो फिर डिपेंड करता है अब ये कि फ्रीलांसिंग जो होती है ना ये रेगुलर इनकम सोर्स नहीं होती है हाँ अगर आपके पास रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो आपको रेगुलरली अपने कामों के बेस पे पे कर रहे होते हैं तो वो चीज़ फिर ठीक है अब अगर आप वन टाइम प्रोजेक्ट्स लेके काम कर रहे होते हैं तो उसमें फिर आप फ्रीलांसिंग पर टोटली डिपेंड नहीं कर सकते तो लॉन्ग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हम उन पे आप कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अब मेरी भी जो प्रायोरिटी यही होती है कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ही लेके काम करें ताकि एक रेगुलर इनकम सोर्स जो होता है वो चलता रहे उस बेस पर तो अर्निंग के हवाले से अगर थोड़ा बता सकते हो तो हमारे ऑडियंस को कि कितनी एवरेज एक नॉर्मल उसकी फ्रीलांसर की होती है ने? ये फिर डिपेंड करता है अब अब बेश बेशक आप जब स्टार्ट करते हैं तो खैर आपकी इनकम होती लो ही है अब मुझे याद है जब 2016 में जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो उस टाइम मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मुश्किल से मेरी मंथली इनकम जो थी चार हज़ार अगर मैक्सिमम चली जाए तो वो आठ हज़ार दस हज़ार जाती थी तो आ, वो फिर बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे काम कर रहे थे एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी कम्युनिकेशन स्किल्स फिर हमारे इतनी ज़्यादा नहीं थी अब आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं तो हमारी आ, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी आ, साथ में इंप्रूव हो गई है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं तो मेरे ख्याल से जो आपकी इनकम का जो आधा पार्ट जो डिपेंड करता है वो आप कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि अब अगर एक वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं अगर आपके चार्जेस दो सौ डॉलर हैं तो चार ऐसे बंदे बैठे होते हैं जो सौ डॉलर में भी, भी करके दे रहे होते हैं और दो चार ऐसे बंदे आपको मिलेंगे जो पचास डॉलर पे वही काम करके दे रहे होते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे जो बात होती है आपकी क्वालिटी की बात आती है और आपने क्लाइंट को इस चीज़ को आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि आप उनसे अच्छी क्वालिटी उनको दे सकते हैं और जाहिर अगर आप अच्छी क्वालिटी दे, दे देते हैं तो उसके लिए फिर आपको चार्ज भी क्लाइंट तो आपके लिहाज से कम्युनिकेशन क्वालिटी जो है ये दो मेन चीज़ें होती हैं आपको एक सक्सेसफुल तो बनाने ये में चीज़ें में बहुत मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके टेक्निकल स्किल्स से भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं तो इसके साथ अगर आप कोई हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो ऑडियंस के लिए मेरा पैगाम यही है कि बिल्कुल ख़ुद को ना एक जॉब मार्केट के उसमें ही डिपेंड ना करें बिल्कुल डिपेंडेंट होकर ना रहें आ, देखें फ्री अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ, अच्छे अच्छे साइट्स हैं फाइवर अप्री लेंसर डॉट कॉम है किसी पर भी आप आ जाए अपने पोर्टफोलियोज बनाए अपने प्रोफाइल्स बनाए और यकीन जानें ये जो फ्रीडम आपको मिलती है फ्री की वजह से वो किसी चीज़ पर नहीं मिलती आपको अच्छा तो थैंक यू वेरी मच नौशाद अली ये आने का बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम अपने हमारे साथ वो किया आज थैंक यू सो मच मुझे भी बहुत मज़ा आया आई एम कि मैं आपके साथ बैठ के बात किया बिल्कुल तो थैंक यू वेरी मच तो इसके साथ नाजरीन ये हमारा पहला शो था फ्री के हवाले से हमने नौशाद अली का इंटरव्यू किया है तो आगे भी हमारे इसी तरह के इंटरव्यूज़ आते रहेंगे हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, करें और मज़े शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरव्यू और साथ ही नौशाद अली का अपना चैनल है नौशाद अली के नाम से तो उसको भी जाके हिट करें कि वो उसमें भी फ्री के हवाले से ही ज़्यादातर ये गाइड कर रहे होते हैं तो उस चैनल में भी देख सकते हैं कि आप ये कैसे वो कर रहे होते हैं चीज़ों को कैरी ऑन कर रहे होते हैं तो थैंक यू वेरी मच